हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन ब्लॉग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ESR का माउथ से ओरल जिस तरह लिया जाता है मैं वो लेके दिखा रही हूँ। वैसे इसका बहुत सारा मेथड होता है तो मैं ओरल लेके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरो मार्क तक हम ले लेंगे ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है। तो ये जीरो मार्क तक मैंने ले लिया है। इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है ESR स्टैंड, ग्लास रॉड और एक ट्यूब का। तो ये देखिए ट्यूब हम लगा दिए और वो नीचे पुश करेंगे और फिर उसको अंदर स्टैंड कर देंगे और एक घंटे के बाद हम इसका रीडिंग ले लेंगे। अपने वॉच से एक घंटे के बाद मेरा रीडिंग मतलब हो जाएगा रेडी। जितना सेडिमेंट नीचे होगा और जितना ऊपर प्लाज्मा रहेगा उसको हम रीडिंग लेंगे 1 आवर टू 2 आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको केवल ब्लड निकालने का ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे अर्स इंजेक्शन देने का, तो हम ये मोंटू टेस्ट जो आता है, जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है और सारे लैब में लगभग होते ही हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 200 प्राइस है। तो सबसे पहले इंसुलिन की सीरिंज में 0.5 तक मार करके हम मोंटू टेस्ट की जो इंजेक्शन आता है उसको लेंगे, अच्छे से बबल्स वगैरह निकाल लेंगे और पेशेंट की स्किन में देंगे। स्किन में देने का दिया ही जाता है और ये अच्छे से बबल्स दिखना चाहिए, क्योंकि स्किन में जब जाता है तो अच्छे से बबल्स की तरह अपने से हो जाता है। और थोड़ा सा ऊपर सीरिंज उठा लेंगे और देंगे और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत अच्छा से बबल्स मेरा दिख रहा है, यानी कि मेरा सक्सेस हो गया है मोंटू टेस्ट। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि 72 आवर्स के बाद जब हम इसका रीडिंग लें तो मतलब हमें स्पष्ट समझ में आए कि हमने कहाँ लिया था। तो सबसे पहले हम अपने पेन से, मार्कर से इसको अच्छे से राउंड शेप में घेर लेते हैं ताकि पता चलेगा 72 आवर्स के बाद। और पेशेंट को मना करना पड़ता है कि यहाँ पे ऑयल, सर्फ, डिटर्जेंट वगैरह यूज ना करें। और 72 आवर के बाद अगर कुछ भी होता है या कुछ होता है तो आप बताएँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक है ये टाइफाइड हुआ है एक पेशेंट को, तो ये एंटीबायोटिक का जो होता है सिफैक्सिम, तो मैं ये इंजेक्शन देने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं डिस्टिल वाटर और ये डाल के मैंने अच्छे से इसको बना लिया है। अब हम इसको फिल करते हैं अपने सिरिंज में। सिरिंज में फिल करने के बाद हम अपने पेशेंट को रिलैक्स फुली देंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस थे और मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कुछ कुछ बोल रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बबल्स निकालने में हर बार कहती हूँ बबल्स निकालना कंपलसरी होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप नहीं निकालेंगे तो। और अगर कोई आप मेडिकल स्टाफ हैं या फिर आप कुछ जानते हैं सिरिंज के बारे में, इंजेक्शन देने के बारे में, तभी आप ये ट्राई करें, वरना आप देख सकते हैं, ताकि अगर आप देखे रहेंगे तो आपके साथ नेक्स्ट जो अगला आदमी गलती कर रहा है तो आप उससे सतर्क रहिएगा। मैं इसलिए वीडियो ये डाल रही हूँ और मेरा मोटिव ये है कि अगर मेरे वीडियो से किसी को अच्छा लगता है तो ये, और इससे कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी को कुछ सिखा समझा पा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं टूनिक किट को रिमूव करवा ली और पेशेंट का वेन बहुत अच्छे से मिल गया और उसमें ब्लड भी आ गया था। तो हम धीरे धीरे पुश करके देंगे ताकि पेशेंट को दर्द भी ना हो और वो अच्छे से ले भी ले। और तुरंत जल्दी में जो देते हैं उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स, एक तो मेडिसिन है, इंजेक्शन लग रहा है तो उसका पूरा वेन में पेन होने लगता है, क्योंकि एक बैग से कोई चीज़ जाता है ना तो, और जल्दी में जाता है तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, इसलिए धीरे धीरे इंजेक्ट करें। मैं बहुत स्लोली दे रही हूँ, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं 10 ml की सिरिंज से ही दे, आपको कभी भी देना हो तो। इसलिए फ्रेंड्स कि वो जो लिक्विड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड, कितना लोग 5 ml 6 ml से बना कर और दे देते हैं, वो गलत है। गलत नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, वो पेनफुल ज़्यादा है और ऐसे बनाएंगे तो वो ज़्यादा सोल्यूबल रहता है, इसलिए नहीं होता। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम मसल में इंजेक्शन लगाने का वीडियो आपको बता देते हैं। एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि मसल पे वीडियो मैडम डालिए, तो मैं उनके लिए इसमें डाल दी हूँ पर्सनली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से फिल कर, ये रेडी टू यूज आता है, तो हम इसको अच्छे से सिरिंज में फिल कर लिए 2 ml के सिरिंज में और यहाँ पे लोकेशन चूज करके हम इंजेक्ट कर दिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ले लेते हैं ब्लड। तो ये पेशेंट को डेंगू हुआ था, ऐसे ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक
फील कर रहे थे, इनको चक्कर भी आ रहा था, तो हम सबसे पहले इनका ब्लड ले लिया और बाद में जब इनका टेस्ट वगैरह हुआ तो डेंगू, IgG, IgM और NS1 तीनों रिएक्टिव था, इसलिए इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।